दोस्तों, अगर आपका फेसबुक अकाउंट बहुत ओल्ड है यानी बहुत पुराना है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही फाइल में कैसे ला सकते हैं। मतलब कि एक फाइल बनेगी, HTML फाइल बनेगी, और उस फाइल में आप अपना पासवर्ड, अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, अपने फोटोज, लाइक, कमेंट्स और बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पे जितने भी फीचर्स है, वो सारे फीचर्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारे आपको एक फाइल में देखने को मिल जाएगी, और इसे कहते हैं डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। तो इसका काम कैसे करना है, मतलब कि काम कैसे करता है और आपको कैसे डाउनलोड करना है आपकी पूरी प्रोफाइल की यानी कि पूरी फेसबुक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, तो ये वीडियो पूरा देखना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जाके, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और आप क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो इसको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक दूसरा मोबाइल मेरे पास है और उसमें मैंने ओपन कर रखा है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रुप्स आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्रेंड्स, फेसबुक गेमिंग, स्टोरीज, योर प्लेस, मतलब कि लाइक्स, कमेंट, रिएक्शन, पता नहीं क्या क्या, इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है। देखिए, अब करना क्यों है, क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि आपको अगर बैकअप चाहिए तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपके प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आप बैकअप चाहते हैं तो भी कर सकते हो, और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, मतलब कि ये वाला नहीं मुझे करना, लाइक का नहीं करना, कमेंट का करना है, तो इस तरह सेलेक्ट भी कर सकते हो। और ये जो डाउनलोड की प्रोसेस है आपको कब तक मिलेगी और कब तक रहेगी वो भी बताऊंगा आप मोबाइल के स्क्रीन पे जाके। और इससे पहले बता दूं, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसे वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलते रहेगी। और बाकी और भी फेसबुक के बारे में वीडियोज ऑलरेडी है तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अपने फेसबुक के बारे में इस चैनल प्लेलिस्ट बना के रखी है, बहुत सारे वीडियोज उसमें अवेलेबल है, 50 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप फेसबुक रेगुलर यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सर दोस्तों, आज के मोबाइल के स्क्रीन पे अब यहाँ पे क्रोम को ओपन करके फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फेसबुक अकाउंट जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मतलब लॉगिन कर रखा है, और यहाँ से 3 लाइन पे क्लिक करना है। आपको जाना है सेटिंग में, कि यहाँ से सेटिंग्स, और सेटिंग में जाने के बाद आपको ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है फिलहाल इस टाइम, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, आप उस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जो ये सारा सब कुछ लिखा, पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो जो भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, हालांकि आपको इस तरह की फाइल मिलेगी वगैरह वगैरह, यह सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी। कुछ टाइम लगेगा डाउनलोड होने में वो भी यहाँ पे बताया गया है, अब कितना टाइम लगेगा वो भी बता दूँ मैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट है, ग्रुप्स है, फ्रेंड्स, फेसबुक गेमिंग, इंस्ट्रक्शन, स्टोरी, योर प्लेस, और पेमेंट हिस्ट्री, लाइक, रिएक्शन, फॉलोइंग, अचीव, कमेंट्स, ये सब कुछ तो है। या मैं स्लाइड करके आपको दिखा रहा था, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन मतलब आपका मोबाइल नंबर वगैरह जो प्रोफाइल पे होता है वो सब कुछ यहाँ पे लोग आपने जो भी जितना भी डाला होगा वो सब कुछ आ जाएगा, आपकी फेसबुक की लिंक वगैरह आ जाएगी, ठीक है, प्रोफाइल लिंक वो भी आ जाएगी, मैसेजेस है, इवेंट्स, और यहाँ पर योर टॉपिक्स और सिक्योरिटी एंड लॉग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो ये डाउनलोड करना ज़रूरी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर आपका अकाउंट कई प्रॉब्लम फंस जाता है तो आपको आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो इजीली रिकवर होने में चांस बढ़ जाते हैं, लोकेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ तो आप डाउनलोड कर सकते हो, बट मान के चलो कि आपको इसमें से कुछ ही इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर ली है, अबाउट यू नहीं करना, म्यूजिक नहीं करना, तो इन सारे को अनसेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से सर्च हिस्ट्री है, लोकेशन वगैरह अनसेलेक्ट कर लेना है, आपको जितना इसमें से डाउनलोड करना है वो इतना यहाँ पर सेलेक्ट रखना है, इस तरह सेलेक्ट रखना है, ठीक है। अगर सेलेक्ट होगा तो वो डाउनलोड होगा, वरना इस तरह से होगा तो नहीं डाउनलोड होगा, वो आपको बता दूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कुछ किया, हालांकि मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरा ऑलरेडी कर रखा मैंने, बट यहाँ पे क्या है, डेट रेंज, आपको कितने टाइम का चाहिए। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए, आज तक जितने मतलब पुराना अकाउंट है, 10 साल पुराना अकाउंट है, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप ले सकते हो, बट ऑल ऑफ माई डेटा रखना पड़ेगा। बट कुछ टाइम के लिए आपको डेटा चाहिए, कुछ ही रेट का डेटा चाहिए, तो डेट रेंज आप पे क्लिक करना और डेट सेलेक्ट करनी है, सिंपल सा तरीका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फॉर्मेट यहाँ पे कुछ और फॉर्मेट जेसन दिया है और HTML, दोनों एक वेब डेवलपिंग की एक लैंग्वेज ही है, ठीक है, जेसन और HTML, तो बेहतर है कि आप HTML में करें तो बेहतर है, क्योंकि HTML आपके फ़ोन में भी ओपन हो जाएगा, जेसन साइड ना भी हो, ठीक है। HTML ओपनर आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन तो आपको मिल जाएगा, तो HTML फॉर्मेट में कीजिए। अब क्वालिटी की बात करें, आपको क्वालिटी में देखिए कुछ फ़ोटो वगैरह होगी, वीडियोस आपने अपलोड कर रखे तो उसकी क्वालिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको लो में चाहिए, मीडियम में चाहिए, हाई में चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। देखिए हाई में यहाँ पे रखा, मैंने सेलेक्ट रखा है, और यहाँ पर क्रिएट फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए ये फाइल क्रिएट हो रही है, और यहाँ पर देखिए ये है पेंडिंग,
देखिए यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे लिखा है कुछ टाइम लगेगा, और यहाँ पे भी लिखा है कुछ टाइम लगेगा, और ये पेन नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ टाइम लगेगा मतलब कितना टाइम लगेगा, मेरा यहाँ पे बता दूँ तो ये जो मैंने डाउनलोड किया था 28 जून को किया था, ठीक है। मैंने डाउनलोड प्रोसेस सॉरी मेरा इतना डेटा आया है 28 जून से 2020 से 7 मई 2021 का, मतलब एक साल का मैंने डेटा लिया है, ठीक है। तो ये मैंने कब किया था, 7 मई को किया था, 7 मई को रिक्वेस्ट की थी एचटीएल फॉर्मेट में, कितने टाइम को ये मैंने किया था, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरा, क्योंकि मैंने एक साल का ही लिया था। अगर आपको पूरे हिस्ट्री चाहिए, आपको पूरी डेटा की 10 साल पुराना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिपेंड करता है आपके डेटा पे कि आप कितना डेटा लेना चाहते हैं और कितने वक्त का लेना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा यहाँ पे 1-2 दिन ही, 1 दिन ही शायद लगा था, और 1 साल का डाटा मुझे मिल चुका था। धीरे धीरे डाउनलोड अगेन मैं कर सकता हूँ, वगैरह यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये जो भी डेटा है फिलहाल पेंडिंग है, यहाँ पे पेंडिंग्स होगा, बट आप 1-2 दिन बाद एक बार आके चेक कीजिए, बाई चांस आपका पूरा डेटा 1-2 दिन में मिल जाए आपको, तो आपको यहाँ पर आके चेक करना। अगर डाउनलोड यहाँ पर लिखा होगा, मेरा डाउनलोड अगेन है, लेकिन डाउनलोड आपका होगा, यहाँ पे डाउनलोड लिखा आ जाएगा, वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे वन के चलो डाउनलोड अगेन पे क्लिक करता हूँ, तो ये नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी शायद, कई बार पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, कई बार नहीं ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपके पास पासवर्ड एंटर कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं बैक चले आते हैं और दिखा देते हैं आपको और प्रोसेस। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड मैं आपको दिखा रहा था, मेरा डाउनलोड कैसे हुआ, तो लेस देन मेरे कुछ 1 MB का साइज था, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये था, ये बता दूँ डाउनलोड कब तक करना है, डाउनलोड कुछ टाइम के लिए करना, ये एक्सपायर हो जाएगा 11 मई को, ठीक है। तो तब तक मुझे डाउनलोड कर लेना चाहिए था, 3 दिन मेरे ख्याल से इसमें दिए गए उसके, और इस बीच में मैंने डाउनलोड कर लिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना, चेक करते रहना आके, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक वापस एक्सपायर्ड हो जाएगा, जैसे कि मेरे एक दूसरे अकाउंट में हुआ था। मैं आपको दिखा दूँगा साइड में स्क्रीनशॉट, एक्सपायर्ड दिखा था वहाँ पे, लिखा रहा था मैंने डाउनलोड भी नहीं किया था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा था वो फाइल जहाँ पर किस तरह से दिखाई देती है। सो दोस्तों ये रही हमारी फाइल जो कि फेसबुक है, फेसबुक अनिर्गामिति .zip फाइल होती है, ठीक है। जिप फाइल डाउनलोड होती है, तो आपको जिप फाइल का ओपनर भी चाहिए, जिप ओपनर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने कुछ ही इन्फॉर्मेशन डाउनलोड की, जैसे कि फोटो की बात करें, फोटोज़ एंड वीडियोज़, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन और मैसेजेज, इतने ही मैंने डाउनलोड किए थे, ठीक है। तो मेरा फटाफट हो गया। अब फोटोज़ पे हम क्लिक करते हैं, तो कौन से फोटो, योर फोटो, यहाँ पे कवर फोटो भी आ जाएगा और प्रोफाइल पिक्चर भी आ जाएगी। तो योर फोटो में हम क्लिक करते हैं, तो मेरे ये वाले सारे फोटो उस अकाउंट में अवेलेबल है, जो कि आपको मैं दिखा रहता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, मतलब कि सारे फोटो यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने डाउनलोड कर दिया। अब कवर की बात करें, तो कवर फोटो कौन सा है, ये भी मेरे गाड़ी वाला ही था, मैंने रखा हुआ है, और प्रोफाइल में शायद ये वाला था, सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये फोटो भी आ चुकी, अब यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री आ जाएगी और प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो ये PDF फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी, और मैं आपको दिखा रहा था कुछ कैसे, यहाँ पे पूरा नेम, प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन डेट, ईमेल एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा स्लाइड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, सब कुछ मैंने जितना डाला हुआ है सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, मैंने हाइड कर रखा है लेकिन सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो आप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा आ जाएगा। सो इस तरह से आप अपने जो फेसबुक की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और आपको डाउनलोड करके मतलब फेसबुक में आके डाउनलोड कर लेना, वरना यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा कुछ टाइम बाद के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।